उत्तराखंड में प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रवासियों के आने के साथ साथ लॉकडाउन के नियम भी कई जगह पर टूट रहे हैं, जिसको देखकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सख्त लहजे में होम क्वारंटीन में रहने वालों को चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानों, आशा कार्यकर्तियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा की जाने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा ले रहे थे। इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, मीडिया के साथ संवाद करने की बात कही। प्रवासियों को उत्तराखंड में लाने की बात पर उन्होंने कहा कि जो भी लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं उन्हें लाया जा रहा है। साथ ही बाहर से लौटने वालों को मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त और व्यस्त भी रखना है। सीएम ने कहा कि गांव में बनाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटरों की उचित साफ सफाई के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को NHM से 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ग्राम स्तर के प्रशासनिक कर्मचारियों को उनके नेतृत्व में काम करना है। उन्होंने कहा कि इन दिनों उत्तराखंड में पॉजिटिव केस पहले की अपेक्षा अधिक बढ़े हैं, लेकिन हमारी तैयारी है। पेशेंट केयर का हमारा रिकॉर्ड बेहतर रहा है। अभी तक बेहतर तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया, लेकिन अब नई चुनौतियां आई हैं। इस चुनौती पर व्यावहारिकता और कुशलता के साथ खरा उतरना है। इसके साथ ही उन्होंने प्रवासियों की आजीविका को लेकर कहा कि लोगों की आजीविका के लिए भी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। किसानों को बीज उपलब्ध करवाए जाएं, इसी प्रकार केंद्र और राज्य ने जो भी योजनाएं घोषित की हैं उनसे लोग लाभान्वित हों, ये सुनिश्चित किया जाए। बहरहाल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखकर सख्त फैसला लिया है, जिससे प्रवासी लोग कोरोना के प्रति जागरूक हो सकें। लॉकडाउन में काफ़ी छूट दी गई है और इसकी वजह से वायरस के फैलाव में भी वृद्धि हुई है। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, और विशेषकर जो लोग आज वापस अपने घर आ रहे हैं, कृपया आप अपने घरों में एकांत में रहें, क्वारंटीन के जो नियम हैं उनका पालन करें, ताकि आप स्वयं भी सुरक्षित रह सकें और आपका गांव, आपका शहर भी सुरक्षित रह सके। ये महामारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बचाव नहीं है। इसका बचाव बड़ा आसान है, वो है सावधानी और संयम के साथ रहना, सफाई, हाथों को बार बार धोना, मास्क सदैव लगाए रखना, और 10 दिन अगर हम अकेले में रह लेते हैं तो हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं। अगर किसी तरह के लक्षण आते हैं, खांसी है, जुखाम है, बुखार है, बदन में दर्द है, तो तुरंत आप 112 नंबर पर फोन करके बता सकते हैं। आप घर में बैठे भी अपना इलाज करा सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि अस्पताल में ही भर्ती होना पड़े, लेकिन अस्पताल में आपको भर्ती भी किया जा सकता है और आपका इलाज वहाँ पर हो सकता है। इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कृपया जागरूक रहें, सावधान रहें और नियमों का पालन करें, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। संवाद 365 के लिए अमित गोसाई की रिपोर्ट।